आ गए सोनू तुम? जी मालकिन। ये कौन है? मालकिन ये मेरी बेटी गोरी है। अच्छा चलो ठीक है, चलो अंदर चलो, काम बहुत है। गोरी बेटा तू यहाँ बैठ जा, और कुछ छेड़िए ना यहाँ। ठीक है माँ। इतना मैं काम कर लूँ। मालकिन से कैसे बोलूं? आज मेरी बेटी भूखी है, आज उन्हें सुबह से कुछ खाना नहीं खाया। कैसे हुई मेरी थाली में खाना खाने की? मालकिनी से माफ कर दो, मालकिनी से पता नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम ये खाना नहीं खा सकते। मालकिनी से माफ कर दो, इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मालकिनी से माफ कर दो। तुम ना सब गरीब एक जैसे ही हो, तो ऐसे ही मैं तुम्हें भी काम से निकालती हूँ। चलो चलो जाओ, चल चलो जाओ यहाँ से दोनों। मालकिनी हमें काम से मत निकालो, मान के लिए हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता कैसे करोगे, चलो जाओ यहाँ से। भगवान, आज तुमने सभी हदें पार कर दी। तुम्हें अपने अमीर होने का बहुत घमंड है ना? आज जो तुम्हारे पति की फैक्ट्री है उसमें आग लग जाएगी, मैं तुम्हें शराब देता हूँ। और जब 1-1 रुपए को तुम भीख मांगनी पड़ेगी, जब तुम्हें गरीबी होने का अहमियत पता लगेगा। नहीं भगवान जी, ऐसा ना करो, मुझे माफ कर दो भगवान जी, ऐसा ना करो आप। माफी मांगनी है मुझसे मत मांग, सोनू और गोरी से मांग जिसके साथ तुमने अत्याचार किया है, शायद वे तुझे माफ कर दे। सोनू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पे बहुत अत्याचार करे, मुझे माफ कर दे सोनू तू। कोई बात नहीं मैडम जी। गोरी बेटा तुझे भूख लगी है ना, चल मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ। दोस्तों जीवन एक चक्र है, ये हमेशा घूमता रहता है। कभी किसी गरीब को मत सताओ, क्या पता अगले क्षण आपको भीख मांगनी पड़ जाए।